हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 3 की NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित पंजाबी लोक कथा बहादुर बित्तो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। क्या नाम था बच्चों? बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ऐसा किसने कहा था? शेर ने। किसको कहा? किसान को। किसान को, वेरी गुड। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। फटकारना होता है डांट लगाना, ठीक है। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? क्योंकि बच्चों गाय हमारी माता होती है, वो दूध देती है ना, उसी दूध से अपने लस्सी मिलती है, दही बनाते हैं, है ना। तो बित्तो को एक तरकीब सूझी। तरकीब होता है एक योजना, यानी एक प्लान बनाया उसने, ठीक है। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। फौरन होता है तुरंत, यानी जल्दी सी दिमाग में आया। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, मरियल होती है बिल्कुल दुबली पतली, ठीक है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। घोड़ा कौन लेके आ रही थी? बित्तो। बित्तो, बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ होता है साफा, यानी पगड़ी, और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पे सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत में पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। आंतें छटपटाना होता है अत्यधिक व्याकुल होना। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। पाला पड़ना का अर्थ होता है बच्चों आमने सामने होना। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। झाड़ी में छिपकर कौन तमाशा देख रहा था? भेड़िया। भेड़िया, भेड़िया। उसने कहा, भोले बादशाह है, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। हाँ तो बच्चों, शेर ने भेड़िए के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर तुम अपनी पूंछ से मेरी पूंछ को बांध लोगे ना तो ही मैं किसान के खेत में जाऊंगा, ठीक है। दोनों जने, यानी शेर और भेड़िए ने पूंछ बांध ली और खेत में चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश आवाज गुम हो गए। होश आवाज गुम होना घबरा जाना, यानी डर जाना। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा, भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया।
किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो बच्चों, आई समझ में बहादुर बित्तो की कहानी? हाँ। तो इनके प्रश्न उत्तर बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? ओके मैम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।